अबे और सुनाओ महाराज जी, क्या हाल है तुम्हारे? अरे क्या डिविलियर्स भैया, तुम भी यार हमारे ले रहे हो मजे, मार मार के तो कर दिया है हमारा पिछवाड़ा लाल, और अब पूछ रहे हो क्या हाल है तुम्हारे? यार ऐसे कौन मारता है, अगले मैच में जीत जाएंगे भाई। अबे चचड़ी वाले, जब तूने टॉस जीत लिया था तो पहले बैटिंग करने की क्या जरूरत थी तुझे? बाद में नहीं कर सकता था क्या? और यहाँ पर ज़्यादा बकवास ना कर, अभी तो तेरा पिछवाड़ा लाल किया है, अभी सब कुछ लाल करने वाला हूँ। अरे डियरियस भैया, हमने सोचा यार कुछ कर लेते हैं नया, इसीलिए कर ली पहले बैटिंग। अब सोचा बहुमा इसीलिए हार रहा था, पर हमें क्या पता इंडिया वाले ऐसा मारेंगे, हमें तो बहुत तगड़ा मारा, ऊपर से आप मार रहे हो। अरे ड्यूलियर्स भाई, इनका तो ठीक है यार, पर मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने तो रन बनाए हैं 76 और तगड़ा खेला हूँ, अब यार तुम मुझे भी क्यों इनके साथ पीट रहे हो? अरे शशि वाले, तेरे को दिख नहीं रहा यार इंडिया वाले कैसा मारते हैं? और 76 रन मार कर कौन सा तूने मैच जिता दिया? तू 50 मारने से कुछ नहीं होता, यहाँ पर शतक नहीं मार सकता था क्या? भगाते हैं 50 मार मार कर, सोचते हैं इतने रन बहुत रहेंगे। और ज़्यादा बकवास ना कर तू यहाँ पर। अरे ठीक है भाई ठीक है, आपकी भी बात को मानना ही पड़ेगा भाई, अगले मैच में मार देंगे शतक और जीत जाएंगे मैच। पर इस रबाड़ा का बना दो भाई कबाड़ा, इससे बॉलिंग ही नहीं होती है, पता नहीं ये क्या खाने लग गया है आजकल। अबे क्यों पर रबाड़ा, क्या कर रहा है तू आजकल? तेरा ऐसा मारेंगे गुंबद का उठा, बता दे रहे हैं तुझको। और ठीक से बॉलिंग कर लियो मैच में, तो ज़्यादा ही कुछ डॉन बनना फिर रहा है इंडिया में, क्या बात हो गई तेरे? अरे डिविलियर्स भैया, बात ऐसी नहीं है यार, ये इंडिया वाले हैं ना, हमको बिरयानी खिला देते हैं, साथ में देसी का पोहा पिला देते हैं, फिर उसके बाद यार इंडिया वालों की तरफ ही हमें गेंदबाजी करनी पड़ती है, फिर वो कहते हैं जैसे हम गेंदबाजी करते जाते हैं फिर वो हमें फेलते जाते हैं,